एर्टिगा और ये क्या है अपनी इग्निस, तीनों दिल्ली है ना। इग्निस भाई ये अच्छे वाले भाई, पूरी ट्राई मार रहा है, देखो जरा ब्लाइंड कर्व्स टर्न। अग्निस अग्निस ओके, ये ब्लाइंड टर्न्स पे ना हिमाचली नहीं है। निकाल दे भाई तू भी अपनी दिल्ली का। आपने ओवरटेक किया? मैं अब आपके पीछे हूँ बस, देख रही है स्कॉर्पियो के पीछे हूँ। अच्छा। दे दे भाई जगह। हाँ थैंक यू सर, दे दी थैंक यू, सलूट मारा मैंने उसे बहुत बड़ा कि आपने सल जगह दी हमें। दिल में जो अपनी जगह। हाँ उसकी बहुत बुरी गंदी वाली लग जाएगी, हमने उसे ओवरटेक करा था बिल्कुल, मतलब जो इज्जत है ना वो फिर पागलों की तरह और चलाएगा। हाँ। यार अब तो बाइक से हीट भी फील आना शुरू हो गई यार, आने लगी हीट आना शुरू हो गई अब बाइक से, अभी तक नहीं हो रही थी। सो टिल 36 डिग्री सेल्सियस हीट नहीं फील होती टाइगर की, अब फील हो रही हल्की हल्की। तो अच्छे मौसम में आती है नींद, मैं जो जुड़े हुए मौसम में क्या नींद। हाँ इसमें तो नींद उड़ी हुई है हमारी। सोने के लिए तो स्टेट ही नहीं है ना रिलैक्स माइंड की। आते समय तो पहाड़ों में पहुंच गए थे ना, अच्छा लग रहा था, मीठी मीठी स्टार्ट हो गई थी आना। सामने चंडीगढ़ की गाड़ी आ गई है फिर से, वो वो नहीं छोड़ेगा भाई, चंडीगढ़ वाला नहीं छोड़ेगा, इसे जगह नहीं देगा। देखो जरा वो देखो सामने से पीछे छोले भटूरे बेचने वाली ऑल्टो आ गई। पीछे बंदूक लगा भाई, थार ना देता जगह, थार नहीं देगा जगह। क्या कहते हैं मतलब देगा जगह थार? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, घास तक नहीं डाली। वो और सेंटर में करके चला रहा है, इसने एक बड़ा सा हॉर्न भी बजाया इसको मजा आ रहा है खड्ड में डालने में साइड में गाड़ी को। लेकिन इससे ली नहीं जा रही साइड। झांटू सर फिर आ गया ये रोडी पे अपने फेवरेट पाथ पे। ओ ये फक यार, बेचारा ट्रक वाला मना कर रहा था, थार नहीं देगी जगह, अब तो भाई मामला तगड़ा है भाई। ये इन्होंने रुला दिया हमें, इनको हॉर्न देना शुरू करो। भाई ये तो ज्यादा ही चिपक्के चला रहे हैं सारे। They have formed a... कहाँ पे हो? तुमने क्रॉस किया उसको कि नहीं? लाल मैंने किसी को नहीं करा क्रॉस अभी। तुम लाल वाले को तो करो, मैं लाल वाले को रोकता हूँ। एक सामने से ये देखो। This guy is float नहीं यार, नहीं। वो एकदम से ना आप रोकोगे तो राइट लेफ्ट मार देगा, वो रुकने वाला नहीं है, ब्रेक पे पंजा मारने वाला। अब ले लिया दोनों ने, ठीक है। अभी भी साला साइड से निकल रहा था, उसको गुंडा आ रही थी। कोई नहीं अब तो आ जाओ, यहां तो हिल विद दिस तो जो थर्ड थर्ड नंबर 1 इज एचआर। अच्छा थर्ड नंबर 1 सोच रहा है
कि मुझे जैसे एम्बुलेंस के पीछे लगा देते हैं ना, कि मेरी तेज चल रही है, पीछे पीछे झुका हुआ बिल्कुल। हाँ 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 वही कर रहे थे, टोल क्रॉस करने के लिए इधर करते हैं ना। झुका क्या उसके? I'm not comfortable with this thar on this lal thing on my bund. ये बिल्कुल लापाक हो चुका है, कहीं भी उसाड़ सकता है। तुम आओ आओ आ गया। इधर से जगह ढूंढो और इससे आगे निकलो। सामने से गाड़ियाँ। यार what is he doing यार? What is he doing यार? ये HR वाला बिल्कुल घुसा के चला रहा है यार उसके अंदर। He is taking no space at all, मतलब हल्का उसने ब्रेक मारी, बड़े बजेगा उसके अंदर जाके। यार जब जगह लेनी होती है साला खुद घुसा देता है, बाइक की जगह में टाइम आ रहा है निकालने का। Easy, easy. मैं हॉर्न मार मार के मैंने रोक रखा। आ जाओ, तुम जगह ही नहीं दे रहा यार। बंदी के साथ बैठ के चला रहा है ये एर्टिगा वाला, जगह नहीं दी जा रही इसे। I did the master stroke. दोनों से आगे। उसकी बंदी उसे कह रही है जाने दो उन्हें, और वो चूतियों की तरह घुसाया जा रहा है, घुसाया जा रहा है अर्टिगा वाला। अरे दिख रहा है बंदा जाने जा रहे हैं, जाने नहीं दे रहा, ईगो प्रॉब्लम। और उसकी एचपी की फोन में घुसा हुआ है। हाँ क्या निकलेगा उसमें से? मिशन एग्जीक्यूटेड। ओके सो नाउ वी आर ऑन द मेन हाईवे एंड आई डोंट नो हाउ मेनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सोलन, बट टिल द टाइम यू हैव दिस वन वे इट्स कंफर्टेबल, इट इज कंफर्टेबल। यार हिल स्टेशन होता था साला, 35 डिग्री है, उबल रहा है इस समय। और यहाँ पे ना वो सेकंड होम बेच रहे हैं बना बना के साले, लो जी इस पहाड़ों में आपका सेकंड होम सोलन चेस्टर हिल्स, ऐसे से करके साले वीडियो बना के। ऐसे भपका खाना है तो साला यहाँ क्यों लेगा बंदा? अरे तो शाम को ठीक हो जाता है यार। शाम को होता है यार, पर दिस इज आल्सो नॉट कूल। छाती चीरती हुई निकल गई हवा, कहा इसको के आर पार हो गई, पीठ तक गई है पूरी पीछे वाली साइड। हाँ हाँ क्रॉस हो रहा है सोलन बढ़िया तरीके से। ये कितना इजी हो गया है हाईवे के कारण यार। ये तो पता भी नहीं चलता कब आया। नहीं तो भाई सोलन के अंदर अच्छा खासा जैम लगता था, अच्छा खासा। फ्यूल इज ओके राइट? फ्यूल मेरा तो खत्म होने वाला है अभी। नहीं यार धर्मपुर से पहले नहीं भरवाएंगे। धर्मपुर चलेगा? ठीक है धर्मपुर में ही है ना वो ईश्वर क्या सोन से स्वीट्स कह रहे हो? हाँ। I don't know what this is all about, but I am going ahead. I am following you. Let's see, is there any space here? Please check. No? I think so. I think so. Yes. Come. Oh yeah, beautiful. Nice stuff. That proved out to be very useful. कहते हैं जान बची और लाखों पाए। हाँ। अच्छा गीला हो जाता हूँ खड़े खड़े। हाँ। शादी spotted? हाँ। शादी spotted with देसी music। देसी music। धर्मपुर 8। है? नहीं है। एक्सयूवी के आगे भी पूरा खाली आ जाओ। वाह यार होए 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 ऐसे धूप फट जाए यार कितना मजा आएगा। हाँ तो जैकेट खुली रख के चला रहा हूँ मैं।
आगे से जिपे खोली हुई है मैंने। ओह वाओ मेटाडोर खाली लेफ्ट में गुजारा है फालतू में। ईश्वर स्वीट्स यार मुझे क्या पता तूने उससे पूछा, उसने बोला 5 किलोमीटर। हाँ तो उसने 5-6 किलोमीटर बोला, तो 5-6 किलोमीटर होंगे अभी, अभी नहीं हुए हैं। आई थिंक इज एस्टिमेट वाज राइट बिकॉज आई एम ऑलरेडी विजुअलाइजिंग फलूदाज। आई एम ऑलरेडी स्टार्टेड विजुअलाइजिंग फलूदाज। यस पत्ती जल चुकी है और मेरी रेंज दिखा रहा है। बॉलीवुड स्पाइसेस आ गया भाई साहब। रेस्तरा पूरे गाय तो ध्यान नहीं देता मैं, ये सब पढ़ने में ध्यान जा रहा है ज़्यादा मेरा। रूम्स अवेलेबल, सुकून किचन, ईश्वर चिट्स। यस 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 यस। तुमने देखा भीड़ कितनी है, छाया वाली जगह रुको। कोई नहीं मिलनी छाया की जगह, इधर लेंटर लग जाएंगे। कौन है ये ऑन देता वो? आई थिंक हमें यहीं रोकना पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। डू यू थिंक वी हैव एन ऑप्शन? आई डोंट थिंक सो। लगा दो, लगा दो, सड़ा दो। इसे लगाना नहीं बोलते, सड़ाना बोलते हैं। व्हाट अ वंडरफुल, बट दिस वाज अ गुड रन। क्यों ये जो अपना बड़ोग वाला एरिया पे ट्विस्टीज आए थे, हाँ मेरे को तो बड़ा मजा आया उसमें। आई वाज एंजॉयिंग देम। मी टू। धीरे 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 धीरे। वीडियो बनाने में लगे हुए, काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सारी दुनिया का नाश हो जाएगा एक दिन, मुझे लग रहा है। 35 डिग्री सेल्सियस एंड वी हैव रिजॉर्टेड टू वेयरिंग दिस कूलिंग वेस्ट फ्रॉम 98 डिग्री। लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग 42-43 डिग्री सेल्सियस व्हेन वी हिट द प्लेन्स इन द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स। एंड ऑन द टॉप ऑफ दिस कूलिंग वेस्ट वी आर वेयरिंग आवर Baha S4 क्लाइम राइडिंग जैकेट व्हिच हैज ऑल द मेश, सो होपफुली ऑल द एयर शुड सी थ्रू एंड this vest should give a very cooling effect while we are riding in the plains in 40 degrees. Let's see how it performs.